शहरों में बैठ के भू कानून की बात करना तो बहुत आसान है, क्योंकि शहरों में आपने अपनी तो वैल्यू बना ली और पहाड़ वालों की वैल्यू आप गिरा रहे हैं। तो वहां के लोगों का की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कैसे मेंटेन रह सके, और वहां पर बाकी के लोगों को जाने को भी हम रोक सके, जो डर है कि पहाड़ में पहाड़ का व्यक्ति सारा बाहर के लोगों ने खरीद लिया है। मैंने इसीलिए भू कानून मांग रहे लोग कि भाई पहाड़ का जो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, वो बची रहे, यही तो मूल कारण है। लेकिन पहाड़ के जो पहचान है, जो संस्कृति है, उसको बचाते बचाते कहीं पहाड़ी का ही नुकसान ना हो जाए, कहीं पहाड़ी का ही अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए, ये हमको देखना पड़ेगा आखिर कि कैसे हम आगे बढ़े। ये काफी गंभीर विषय है और मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक समिति भी बनाई है कि सारे पहलुओं पर बात करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सीधे सीधे एक लाइन में कह देना कि भू कानून लागू कर दो, प्रतिबंधित कर दीजिए, पर्याप्त नहीं है।